परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुछ सच्चियाँ ते कुछ कौड़ियाँ गलत दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र आ जी। सलाम अर्ज करता जी। एक कहावत आ जी, एक अनार सौ बीमार जी। ये पुराने जमाने की कहावत आ जी, जदों ना मैडिकल की इन्नी सहूलत हुंदी सी, ना जिहड़ा वा इन्ना जिहड़े पढ़े लिखे लोग हुंदे सी, डाक्टर हुंदे सी बड़े शहरां दे विच, छोटियां शहरां च हकीम होने जी, ते या कंप्यूटर वगैरह जिहड़े आ जे डिस्पेंसर जिन्हां कहा जाता वा जी, ये लोग हुंदे सी, उहनां दे नाल ही दुनिया नूं आराम आई जांदा हुंदा सी। फिर जमाना बदलता गया, लोगों की बीमारियां जदीद हुंदियां गईयां, जिदां जमाना जदीद हुंदा गया वह इस तरह ये जिहड़ियां वा अपना बीमारियां वह भी वधदियां गईयां, डाक्टर भी वधदे गए। लेकिन उस वेले टावें टावें डाक्टर ते टावें टावें हकीम हुंदे सी, ते वो हकीमां दी एक टर्म हुंदी सी जी कि कोई बीमार हो जाना, किसी नूं मलेरिया हो जाना, या कोई बुखार हो जाना, या कोई इदां दी गल होनी, उन्होंने कहना मरीज़ नूं अनार दिओ। अच्छा, वो अनार जिहड़ा बना, फिर उस वेले पैसा भी इन्ना लोगों को नहीं हुंदा सी जिद्दां हुण रेल पेरा, तां अल्लाह दी ना शुक्री करदे आ लोग भी पैसा होण दे, हर रोज़ हर घर च फ्रूट जांदा। उस वेले इदां नहीं हुंदा सी, सालां बाद ही कितें फ्रूट आंदा, छे महीने आ गया जी, खखड़ियां आ लूण पा के खा लईआं जी, आ जिहनूं अपना तरां होईआं जी, ते अपना फुटां हो गईआं जी, इदां दे फ्रूट जिहड़े आ ना इह हुंदे आ जिहड़े पिंडां दे विच आम हुंदे आ जी। आ हुण जी सेब गाजर दा जूस, फलाने जूस, फ्रैश जूस, ये गल्लां विचारियां उस वेले उहनां लोकां दा पता भी नहीं हैगा जी, ना वो देखिआ, वो जिद्दां आए जी उदां ही अनपढ़ ते अनपढ़ दुनिया तों चले गए। वो अगर इस दुनिया च आ जाए तो वैसे ही हैरान हो जाए भी यार ये उही पाकिस्तान है, या उही मेरी नसल या औलाद है जिहड़ी इन्नी याशी करती पई आ, असी तो कभी जिंदगी च देखे नहीं। और असी अल्लाह का ना शुक्रे हाँ कि इन्ना कुछ मिलन के बावजूद असी जिहड़े आ मर गए मर गए मर गए दे नारे लाने जी। वो होना यह जी कि अनार जिहड़ा वा वह एक बाबे ने लियाना जी, वह लिया के ते उहदा ज़्यादा हिस्सा जिहड़ा छिल के उस मरीज़ नूं दित्ता जांदा सी, ते बाकी जिहड़ा घर का टब्बर हुंदा सी जी वह उहनूं दे देना। उस वेले माशाअल्लाह टब्बर भी वड्डे हुंदे सी, जिन्हों पुछ लैना वो न्याणे जी कि हाँ भी तेरे किन्ने न्याणे आ, मेरे यार 11 न्याणे आ, तेरे किन्ने यार 12 वा 9 आ, बनी बहुत घट किसी के होए जी, 5 न्याणे होए जी। हुण इदां अरगा नहीं जी, जिदा शार्ट टर्म काम आ जी, एक वा या दो आ जी, अल्लाह का शुक्र है जी दो बेटे हैं जी, अल्लाह का शुक्र है जी एक बेटा है जी एक बेटी है, ये गल्लां नहीं सी जी। उस वेले जिहड़ा ना उस वेले दर्जना के हिसाब हुंदे सी जी, ते या अद्धी दर्जन इत्थे इक गल चलदी हुंदी सी। मकसद ये है जी कि वो कहानी हैगी जी सारी, ये एक चलो तुहानू गल सुनाई आ, इस तो अगे गल जिहड़ी शुरू करन लगा जी, एक अमरान ते सौ बीमार जी। गल असल आ वा जी जिहदी मैं तमहीद पिछे बन्नी आ कि जिहड़ी आपोजिशन आ इहनां नूं जिहड़े पिच जलाब लगे हुए आ साढ़े 3-4 साल तो उहनां दी अज अखीर हो गई है जी। फिर अज तुसीं देखो भी ये वो वक्त सी जदों एक दूजे का नाम नहीं सुनना लैण पसंद करते सी, फिर इन्हां दे दरमियान मिसाक जमहूरीयत होया जी, कुछ ठंड पै गई जी, पहले ये एक दूजे का वक्त आण ते पेट फाड़ते रहे, एक दूजे दीआं गंदीआं तस्वीरां शेयर सुटते रहे जी, ये सारे करैक्टर असैसीनेशन जिहड़ी आ इन्हां ने रज के एक दूजे की की, पीपल पार्टी ने कोई बेहूदा हरकत नहीं की जी, ये ऑन रिकॉर्ड गल आ जी। तो बाकी रही गल इन्हां दे इख्तलाफा सी, क्यों इन्हां नूं इन्नी तवक्को ही नहीं सी कि इमरान खान जिहड़ा वा कदी वज़ीर आज़म भी बन जाएगा। उन्हें जो 22 साल 23 साल हुण तां खैर ज़्यादा हो गया जी, 22 साल बाद दी तवदौत बाद तो वज़ीर आज़म बने सी, तो हुण 3.5 साल विच होर 4.5 साल ला लो, 22 ते इह ला लो 26 साल तो हो चले आ जी। मकसद ये आ भी इन्हां दी सोच भी नहीं उत्थों तक जाती सी कि यार ये बंदा वज़ीर आज़म बन जाएगा, वो आ के कुर्सी पर बह गया जी। जिदन वो कुर्सी पर बह गया इन्हों हलकान परेशान हो गए भी साढ़े ना बनया की है जी, फिर इन्होंने दिमाग दौड़ाने शुरू किए, फिर इन्होंने जनाब स्टैबलिशमेंट के ताने कसने शुरू किए, फिर इन्होंने जजा के उत्ते ताने कसने शुरू किए, फिर इन्होंने जनाब फौज को गालियां कढ़निया शुरू कर दी, फिर इन्होंने जजा दी वीडियो आडियो लीक करनिया शुरू कर दी, फिर इन्होंने बरूने मुल्कों दबाव पवाना शुरू कर दिता, अमरीका चो इस्लामी मुल्कों चो किसी चो उन्होंने इन्हां वास्ते तरले मिन्नतां कीतियां, लेकिन वो गल ना बनी जी। अच्छा, फिर इस दौरान के अंदर वो पत्थरां वाली बारिश जिस कंपनी ते हुंदी उन्हें भी अपना जिहड़ा वा ना किरदार अहम अदा किया कि जिहदे तहत वो इन्हां नूं कदी अंदर लै जांदी सी कदी बाहर लै आंदी सी, यानी उन्हें वो बिली चूहे वाला खेल जिहड़ा वा वो ज़ाहर किया। फिर ऐसी एक दिन उन्हां ते पत्थरां की बारिश हुई, उस तों बाद उन्हां दी जुरत ही नहीं हुई जी कि वह कोई हरकत ही कर सकन, वो खामोश हो गए जी। बहरहाल हुण अज की गल ताज़ी ये है जी कि अज
जोहराना सी जी शहबाज शरीफ साहब के घर, उत्थे सद्या गया जी जरदारी साहब नूं कि खुदा दा वास्ता बजुर्गो सानू इस बला तो बचाओ जिहड़ी सानू लई दित्ती खड़ी आ। क्यों तुहानूं पता भी एक तो वह नैब वाला केस जिहड़ा वा वह पापड़ वाला तो सेवियां वाला तो फलाना वह भी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ घेरा तंग हो रहा। उधरों जनाब वो जरा नवाज शरीफ की परची दी सी पजामा वाली वह काम भी तेज़ हो रहा वा जी। हुकूमत ने भी यह ठान ली है कि ये शहबाज शरीफ यानी जिहड़ा वा ना इन्हां नूं गिरफ्त च लियाया जाएगा तो काम सीधा होएगा। क्यों वो जिन्ना क इन्हां ते वजन पएगा ये उन्ना ही जिहड़ा वा ना ये थले नूं जाणगे। तो दूसरी गल मुस्लिम लीग नवाज के जेहन दे विच यह ख्याल आ कि असी जरदारी साहब का कंधा इस्तेमाल करके तो असी दोबारा जरा मलका राज जरा वा ना वो असी बन जाना हुक्मरान, साड़ियाँ अगे गल्ला आप ही मनिया जानियाँ, इतों ये तो एक बार जान छुड़ाई जाए। लेकिन जरदारी साहब ने ना एडिया कच्चिया गोलियां खेलियां तो ना इन्ने कच्चे जेहन दे आ। उन्होंने अज भी ये गल की आ कि जरा वा अपना भी कौमी हुकूमत बनाई जाए तो वो अल जोर दिता जाए। वो जिदा का जरदारी साहब को सबक पढ़ाना जरदारी साहब ने उन्ना की बोलना तो उन्ना की काम करना जी। ये पक्की पढ़ी लिखी गल आ। मुस्लिम लीग जी आदियाँ किश्तियाँ जड़िया सड़िया हुई जी, वो हूँ कहें जड़िया सड़िया हुई उन्हों चलो एक सुह को लकड़ा यही कट्ठिया कुठिया करके तो कितने ढेरी ला के तो बह जाइए, सानू बहन जोगी जगह ही मिल जाए। उन्हों की पोजिशन ये है जी बेचार की। और ये गल अंदर कुछ अंदर के इख्तलाफात जोड़े आ उन्होंने भी मुस्लिम लीग में जरा वा बहुत कमज़ोर किया। बाकी रही खुदी कसर जी जरदारी साहब आके लाहौर जदों के हम बह गए इतने आ गए, इन्होंने उन्हों की कसर पूरी कर देनी है। काफ लीग ने उन्होंने हजे हमला करना वा जी, ये पढ़ी लिखी गल है जी। कुछ लोग जोड़े आ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का राबता करे जी वो उधर चले जाने जी, उन्होंने कमिटमेंट हुई हुई है। वो ऐन वक्त पता लगे कि वह किन्ने बंदे आ, दस आ, भी आ, ती आ, वो किन्ने जाते जिन्हें का इधरों जोड़े से ना जी और वो खराब करने वाले उन्ने क बंदे होर आने हैं जी, वो चले जाने जी। ये पक्की पढ़ी लिखी गल है जी। वो एवं वह मतलब कि वक्त दोनों पासे गुजारिया जा रहा, ना उन्होंने इन्हों चलना वा ना इन्होंने उन्होंने रखना वा। बाकी रही गल कि जरदारी साहब ने जी उत्थे जिहड़ी गल कीती वो ये कीती आ भी मिल जुल के जो मैं कहना मैनू अवलीन तरजीह दी जाए तो मैं थोड़े नाल हाँ, नहीं तो तुसी अपने घर आ दी मैं अपने घर आ दी। ये उन्होंने अज उत्थे अजलास च गल की है जी, जिदे तहत फिर शहबाज शरीफ जरा सियाने दिमाग दे सी ना उन्होंने जो फिर फाइनल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते होंगे उदे विच आके उन्होंने जी स्टेटमेंट दी वो ये दी कि सानू सोचण दा कुछ मौका दिता जाए जी, असी सोचांगे वह मशवरा हुण करनगे कि जरदारी साहब जो कह गए तो अमल करके तो साढ़े कोल की बचदा वा, ये गल गौर करनगे। फिर उस तो अलावा जिहड़ा हैगा मरियम नवाज साहब उन्होंने जरा तेजी दिखाई आ, वह इदा दिखाती कि उन्होंने शौक हों कि हर जगह जी मैं अपीयर होव माइक के उत्ते पता लगे कि लीडर मैं ही आ पाकिस्तान, बाकी सारे जड़े ना मेरे तो पिछे ही आ। उन्होंने फटाफट उत्थे सवालों के जवाब दिते, उन्होंने किसी एक अपना रिपोर्टर ने सवाल किया कि ये हुकूमत जी नवंबर तक रहेगी, उन्होंने कहा जी नवंबर तो बहुत दूर की गल आ, ये जिदा वो पहले नहीं कहते आ रही तीस तीस तारीख आ रही पार होगा, उन्होंने कहा जी पहले ही चली जानी है जी, जिदा मतलब लिख के दिता सारा सिस्टम ही उन्होंने तहत चलता, ये हाल है जी। और उत्थे शहबाज शरीफ साहब जिहड़े सी ना वो उन्होंने बार बार टोक रहे थे कि तुसी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ उहदा आखिरी सवाल लै लो इहनू बंद कर दिओ, लेकिन बीबी मरियम ने उन्हां दी गल नहीं सुनी। इस गल तो अजा हुंदा कि उन्हां दा जाविया हो रहा, इन्हां दा जाविया हो रहा। बहरहाल के बिलावल साहब ने भी उत्थे बयान दिते, बड़े शुरली वाले बयान दिते आ, वो इदां भी हम ये कर देंगे सिलेक्टेड को ऐसे कर देंगे, अब जीना मुश्किल हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये नहीं पता भी अपने झुग्गे नूं भी अग लगण वाली पिछों लाण डए एम के एम तो वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाकी जमातां रल के उन्होंने उधर तीली ला देनी आ, ये उन्होंने ख्याल खाबो ख्याल भी नहीं हैगा। लेकिन चलो ये तो सियासी खेल है ना जी, चलता रहना। गल ये है जी कि इमरान खान साहब अपना जुआ खेडण गए है जी, कल भी तुहानूं दस्सिया सी भी चाइना दे विच गए आ, उत्थे हुण उन्होंने फाइनल जिहड़े काम आ ना अपने करने आ। तुहानूं तीन दिन दो दिन लंघ गए जी, दो दिन होर आ, दो दिन तो बाद तुहानूं दुधा दुध तो पानी का पानी हो जाना, सूरत हाल वाधे हो जानी आ भी उतों की लभा, तो वो मुताबक इमरान खान साहब ने जी अपनी चादर जी खोल देनी आ, अपना फंड वाला मूँह जरा बोरिया का खोल देना। और इन शाला उम्मीद आ कि अच्छे हालात पैदा होंगे। तो मैं पिछली वीडियो भी गल दसी सी भी 4 खरब तो उपर जरा रुपये आ तरक्याती बजट जरा वा वो मंजूर करता मुख्तलिफ शहर के मुतलक, यानी उस फैसलाबाद, झंग, टोबा, बावल नगर, इदा
होर मुख्तलिफ शहर है जिन्हों के मतलब उन्होंने उत्ते जी उन्होंने अलाउ करता गया, फिर एक मोटरवे जरा ऐलान किया गया। ये सारिया चीज़ा जीडिया को पैसे है तो कोल तो ये कीतियाँ जा रही। बाकी रही गल जरा भी रिलीफ आना वा जी हूँ ये आवाम वास्ते, वो आ जितों गए आ उम्मीद आ कि कुछ ना कुछ करके आएंगे। जिमीदार वास्ते कल एक मुआयदा बहुत अच्छा हो गया कि वह जी एक कंपनी आ उन्हें अगे भी वह काम कर रही आ, उन्हें हुण इत्थे सीड दे उत्ते पेस्ट मतलब कि फर्टिलाइजर दे उत्ते होर जिहड़ी मशीनरी आ उहदे उत्ते उह काम करेगी और किसानां वास्ते जिहड़ी आ अच्छी सहूलत अच्छा बी हाईब्रिड सीड जिहड़ा वा ना उह उह भी इत्थे टैक्नोलॉजी आ जाएगी। उस तों इलावा जदीद कॉटन दे सीड दे मुतलक भी रिसर्च हो रही करनगे उह, और जिहड़ा सीड अच्छा किस्म दा जिहड़ा दित्ता जाएगा ताकि साडी पैदावार च इजाफा होवे, साडा किसान जिहड़ा होर खुशहाल होवे। ये सारिया गल्लां जी। बाकी होर जिहड़ियां कंपनियां वा जिहड़ियां ने मतलब के इंडस्ट्रियल स्टेट जिहड़े बने आ चार, एक फैसलाबाद बनया, एक रशकई बनया वा, एक बोस्तान बनया, एक धाबे जी कराची के नज़दीक मेरे पुराने शहर के बनया जी उत्थे, जिहड़ा वा अपना वह भी काम उन्हां दा तेज़ हो जाना, सड़कां दा काम भी तेज़ हो जाना। लेकिन ये सारे जिहड़ा चू चू का मरबा वा जी, ये हुण इस गल्लों परेशान हो गया भी साडे नाल बननी की आ, ये बंदा साडे नाल करूगा की। गल ये जी भी तुहानू याद होवे भी इमरान खान साहब के मुतलक दो स्टेटमेंटा जी मैं तुहानू याद करा दिना। एक ये आ कि जदों क्रिकेट खेलते सी उदों जिहड़े बड़े प्लेयर सी जिदा डैनिस लिली सी, ईयन बोथम सी या होर बड़े लोग सी, उन्होंने ये कहा कि 100 साल च भी इमरान खान जैसा जिहड़ा आलराउंडर पैदा नहीं होएगा। ये उन्हां दी क्रिकेट दी लाइफ की गल सी। ते सिद्धू साहब के मुतलक ये गल उन्हां दी ऑन रिकॉर्ड मौजूद आ, उन्होंने कहा कि जिस तरह अपोजिशन पाकिस्तान की इन्हों ईजी लै रही है, ये बंदा उन्ना ईजी लैन आला नहीं हैगा, ये इन्हों इन्ना ज़्यादा टफ टाइम देगा कि इन्हों दे जिहड़ा वा सोच तो भी वध के उन्होंने जो लफज इस्तेमाल किए थे वो तो एक अलहदा गल ना, जट भरा वा कह सकते जिदा मर्जी कह लेंदे होंगे, लेकिन उन्होंने कोई इदा की गल नहीं की। उन्होंने कहने का मकसद यही सी कि इमरान खान की सोच जिथे इन लोगों की सोच आ उस तो अगे जरा बंदा सोचता वा, वो पढ़िया लिखिया आदमी आ, वो गौर करता हर गल लॉजिक दे नाल उत्ते गौर करता वा। तो बाकी दी आखिरी गल वो ये अल्लाह ताला दी रहमत अल्लाह ताला दी मेहरबानी इस बंदे ते आ, वरना जिदा के हालात इस मुल्क दे रहे आ, जो हालात इस कौम दे उन्हां दे मतलब ख्यालात आ, यानी जिस तरह महंगाई की वजह ने खिलाफ बहुते होए ना जी, ये एक हवा बनी हुई है। फिर आ जिहड़ा काला मीडिया वा इन्हें जी हवा दी, यानी 100 मीडिया वा तो 75 जे इमरान खान साहब के खिलाफ आ, उन्होंने यही दसिया कि इतने जोड़ा मुल्क जनेर बचिया आ, इतने तो बचिया ही कुछ नहीं जी, सारा कुछ तो इमरान खान साहब ने तबाह कर दिता। जे पिछले वो सोने के कमोड़ से बह के जोड़ा वो वाशरूम इस्तेमाल करते, जेडे वो बादशाह सी ना जी, या जेडे ये बाबा जी आ ये आ वह जड़े या 44 लाख की लस्सी पीने वाले जड़े आ, जो कुछ उन्होंने इस मुल्क दे नाल अच्छाई की उहदी मिसाल दुनिया ते नहीं मिलती। उदा दे नाम लीडर पैदा हो सकते क्यों, वह जदों वो आप इदा के काम करते थे, तो वो जड़े आ हुण जड़े बहुता रौला ही पाई फिरदे ना मीडिया वाले, इन्हां नूं भी खरबा अरबा रुपया जिहड़ा वा वह दिंदे सी भी तुहाडा मूँह बंद रहे ताकि तुसीं साडे वाल दी गल करो। वह हुण इमरान खान साहब ने तो कीता नहीं, असल पेट में मरोड़ मीडिया दे ये आ जी कि उन्होंने वो खाण पीण नूं लभा नहीं। हुण जिन्हें दो दो उंगलियां चप्पिया ना खाधा होवे उन्हूं कहा उंगली ना खा, वो खा सकता? यह वजह वा जी सियाणियां दी मिसाल आ, जिन्हें खाधा चप्पिया ना उंगलियां ना किदां खावे। इन्हां दे असल मरोड़ पेट दे विच मीडिया दे ये आ जी, वो एंकर जिहड़े आ जिहड़े अगे 40,000 50,000 का 2 लाख का कोट पेंट पा के आता सी, वह हुण आ गया दोबारा 40,000 ते आ गया वा, 30,000 ते आ गया, या हो सकता कोई लंडे जिहू लै के पाता होवे, यानी उन्हां दी आमदनी घटी आ। जिहड़े मीडिया मालकां ना उन्हां नूं जिहड़ा शोरा लभदा सी वह खत्म हो गया। ये सारिया जिहड़ियां गल्लां वा ना जी, ये काउंट करदियां वा, तुसीं एक बंदे दी रोज़ी बंद कर दिओ तो उन्हें तो तुहाडे मुखालफ आप ही हो जाणा, या उन्हें कहना मेरे ते जादू कर दिता, या उन्हें कहना जी मेरे ते मेरा ते जिहड़ा वा ये गाह खराब करदा वा, लड़ाई पै जाणी कि नहीं पै जाणी जी। ये सारिया चीज़ा जी, इन्हां सारिया चीज़ां नूं मद्देनज़र रखदे होए ये माहौल इत्थे बनाया गया। आवाम नूं चाहिए वा कि एक ईमानदार आदमी जिहड़ा उहदे ते ट्रस्ट करन, वो बंदे दी एक गल आ उहने जिहड़ी गल कही आ उहदे ते उहने अमल करन दी कोशिश कीती आ, जिहड़ा काम उहने कहा उहने करके दिखाण दी कोशिश कीती आ, ये गल हैगी आ, ये तो कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। बाकी रही गल कुछ हेर फेर मुकदरां दे हुंदे आ, जिद्दां दी मुश्किलात इन्हां नूं आईआं वा वो अल्लाह ताला कीता उम्मीद कीता निकल गई, हुण अच्छे वक्त दे
असार नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और अच्छे वक्त दे तो तवक्को ये की जा सकती है कि हुण जिहड़ा हालात जिहड़े आ पौने दो साल आ इह च बेहतर होणगे, तरक्की होएगी मुल्क के अंदर, महंगाई जिहड़ी आ उहनूं जिस तरह भी आर्टिफिशियल तरीके नाल कंट्रोल किया जाए, क्यों दुनिया के उत्ते ते चीज़ां तां नूं जा रही आ। इत्थे इलैक्शन जितने वास्ते हुण कोई भी काम किया जाएगा वह करना पैना, आ बलदियाती इलैक्शन के विच ही तुहानूं सूरत हाल वाधे नज़र आनी आ, जो रेल पेल पैसे की इत्थे होनी आ। दूसरी गल मैं तुहानूं उदण एक गल कही सी कि जिहड़ा विजिट चाइना का इमरान खान साहब ने कर गया ना, ये तो आन तो बाद जिहड़े उत्थे दे तजिया नगारा या जो एदियां जिहड़ियां कैलकुलेशन आनियां वा उहदे तहत तुहानूं ज़ाहर हो जाणा कि अगली हकूमत किधर नूं जांदी पई है ते किहदी बणनी। इस खिते दे जो हालात बनने आने वाले वक्त के वह भी तुहानूं ज़ाहर हो जाने आ भी इत्थे जंग लगनी आ या इन्हां ने कट्ठे होकर लड़ना या इन्हां ने की करना वा, ये सारिया चीज़ा जड़िया वा ना जी इन्हें असरअंदाज होना वा। अमरीका भी उधर दंद तेज़ की पिया वा ता कि जड़ा वह रूस के उत्ते दबाव प्रैशर बढ़ावे या जंग लग जानी आ उन्हां दी, या ये भी प्रैशर वधदे वधदे की बनता उन्होंने, ये चीज़ा सारिया जड़िया काउंट कर दिया। लेकिन आ दो दिन तो बाद जो फिर एनालिसिस आना शुरू होना जी, वो उत्ते असी कोई तबसरा कर सकते हैं, उस तो पहले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिहड़े हालात वो वाकियात आ वो बेहतरी वल जाणगे और बेहतरी जिहड़ी आ तुहानू आ चंद महीनियां दे विच ही नज़र आनी शुरू हो जाणी। ज़्यादा लंबी चौड़ी हुण जिहड़ी गल आ वह नहीं, कुछ हालात बेहतर हो रहे, को IMF को पैसे आए आ, कुछ आ जिथे गए उत्थों लैके आए, कुछ होर रियासत जिहड़ियां उन्हां कोलों भी फंड आने आ और सारे आवाम ते खर्च होने आ। जिहड़ा आ मसला हैगा अफगानिस्तान का, इत्थे भी पाकिस्तान जिहड़ा बहुत पैसा खर्च रहा वा, आ दहशतगर्द जिहड़े आ इन्हां दे उत्ते एक नवीं जंग जिहड़ी पाकिस्तान नूं हुण लड़नी पैणी आ कोयटा दे विच, इन्हां इलाकियां दे विच ये जिहड़े दहशतगर्द आ उन्हां दे खिलाफ़ ही एक यानी एक नवीं मुहिम जिहड़ी आ मसला दरपेश होया है, इहनूं भी हल करना पैणा। वो सारा जिहड़ा खिता वा उहदे ते असर पैणा इस गल दा। लेकिन उम्मीद आ कि पाक फौज जिहड़ी आ वो इंशाअल्लाह इहनूं फौरी तौर पर कंट्रोल करेगी। उन्हें हुण वंडांगा ही फेरना जी, मैनूं हुण आखिरी जिहड़ा लगदा इन्हां दा हुण इह एंड होने वाला वा जी, ये दहशतगर्दा का ये कला काम जरा स्पीड ना शुरू हो जाना। बाकी अल्लाह ताला नूं पता जी, कल किसी नूं नहीं पता कल किन्हें देखी आ, वो जरा इंसान कुछ नहीं सोचता। लेकिन एक गल कहना जी, ये अल्लाह ताला दी रहमत है इस बंदे दे उत्ते, इमरान खान दे उत्ते अल्लाह दे रसूल दी रहमत आ, ते बचिया फिरदा। वरना जिदा दे आवाम दे ख्यालात आ, जिदा दे अपोजिशन दे ख्यालात आ, ये जिहड़े आ इदा हुकूमतां नहीं चलदियां हुंदियां। लेकिन उस बंदे ने बड़ी सबर ना और मेहनत दे नाल करके उन्हें ये जिहड़े अपना टाइम पूरा किया। बाकी और जिहड़ा अदब रखता और ईमानदारी वाला अदब रखता, उसके दिल च बंदे ते बेईमानी नहीं हैगी और उन्हें अपना जिहड़ा वादा कौम ने किया उन्हें पूरा कर देना। आ यूनीवर्सिटी वाला वादा भी तुहाडा जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस च बननी सी उहदा भी उन्होंने तकरीबन काम समझो शुरू हो जाना वा, आ 75 महीनों के विच मुकम्मल हो जानी आ, इस दौरान च क्लासा भी बह जानियां वा। यानी कोशिश उस बंदे ने की है कि पाक किसी भी तरीके ने जिहड़ी जिहड़ी मैं गल कही आ वह अपनी पूरी करा। लो जी, अल्लाह ताला जिंदगी देवे, खैर होवे, जींदे रहे तो फिर मुलाकात होएगी जी।